नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अंशु। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आए दिन सड़क हादसों की भरमार लगी रहती है, उसी को देखते हुए सरकार के द्वारा पूरे वर्ष में एक माह यातायात माह के रूप में मनाए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसके तहत यह यातायात माह साल के नवंबर माह में मनाया जाना सुनिश्चित किया गया था। इस यातायात माह के तहत लोगों को सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए जागरूक किया जाता है। सड़क के यातायात के नियमों का पालन कराने के लिए लोगों से अपील की जाती है और न मानने वालों पर चालान की भी प्रक्रिया की जाती है। इसी के तहत आज बांदा जनपद में भी यातायात माह का शुभारंभ किया गया है, जिसमें पूरे कार्यक्रम की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने बताया है कि आज यातायात नवंबर माह की शुरुआत की गई है। इसके तहत जनपद के समस्त पुलिस कर्मियों व यातायात के स्टाफ के द्वारा लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा। जनपद के सभी लोगों को यातायात के नियमों के बारे में समझाया व बताया जाएगा। इसके लिए हम लोगों के द्वारा स्कूलों, ट्रांसपोर्टरों व अन्य संस्थाओं में जाकर यातायात के नियमों के बारे में बताने का काम करेंगे और यह भी बताया जाएगा कि सड़क पर चलते समय किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए। जिन लोगों के द्वारा यातायात के नियमों का पालन नहीं किया जाएगा, उन लोगों के खिलाफ चालान की भी प्रक्रिया इसके तहत की जाती है, जिसमें चालान के आधार पर नियम का पालन न करने वालों से धन वसूल कर सरकारी राजस्व में जमा करने का भी कार्य किया जाएगा। स्कूल के सामने एक के जगह दो बैठ जाते हैं, गार्जियन ध्यान नहीं देते हैं, उनको हेलमेट और बाइक चाबी दे देते हैं और गाड़ी की चाबी दे देते हैं। अपनी सुरक्षा की बात आती है तो शायद हम भूल जाते हैं और बहुत ही सहज रूप से ये कहने लगते हैं कि हमको अभी सफर तय कर जाए। जैन जी के द्वारा अलंकरण हो रहा है, हमारे राजकुमार राज जी यहाँ उपस्थित है। व्यापार संघ हमेशा शुरुआत है और ये यातायात माह के रूप में हर साल मनाया जाता है। इसी के अंतर्गत आज हम लोगों ने इसका शुभारंभ किया है। 50 हेलमेट्स हम लोगों ने वितरित किए हैं ऐसे लोगों को जिनको चालान करने के दौरान ये पाया गया कि उनकी माली हालत ठीक नहीं है और वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो हेलमेट ले लें, इसलिए हम लोगों ने अपनी तरफ से उनको हेलमेट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और ये उनको बताया गया कि वो इस चीज़ को सुनिश्चित करें कि लगातार वो हेलमेट पहनकर ही गाड़ी चलाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष हैं, व्यापार मंडल के लोग हैं, सभी वरिष्ठ अधिकारी हैं, हमारे एनसीसी के कैडेट्स हैं, सभी के माध्यम को सभी को आज जो है एक जागरूकता फैलाने का काम किया गया है और ये संदेश देने का काम किया गया है कि पूरे महीने एक प्रवर्तन और एजुकेशन इन दोनों का कार्यक्रम चलेगा। अवेयरनेस फैलाई जाएगी और प्रवर्तन तो खैर हम लोग साल भर करते रहते हैं, लेकिन इस समय हम लोग का एक महीने में ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जागरूकता फैलाएं और ये इंश्योर करें कि एक्सीडेंट से होने वाली जो असमय मृत्यु होती है लोगों की या जो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं उनमें कमी आए, यही हमारी इस चीज़ की सफलता मानी जाएगी। सर, यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं तो किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, दोनों चीज़ें हैं। हम लोग पहले तो उनको समझाएंगे, एक तो बच्चों को खासकर जो युवा वर्ग है उसको समझाएंगे ताकि वो उल्लंघन ना करें और जो व्यक्ति उल्लंघन कर रहा है उसको नए MV एक्ट के प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ चालान करेंगे और उनकी गाड़ी को सीज किया जाएगा और उस माध्यम से भी एक संदेश देने का प्रयास किया जाएगा कि कहीं भी जो इस तरह की जो उल्लंघन है, यातायात नियमों के उल्लंघन जो हैं वो अक्षम्य हैं और उससे उनका ही नुकसान है, ये उनको समझाने का प्रयास किया जाएगा।